गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे 4:30 और हम लोग उठ के बैठ गए क्योंकि हमें जाना है रोहतांग। और मतलब गुड आँख तो मॉर्निंग नहीं खुल ज़ारा। रही है, गीजर ऑन कर दिया नहाने के लिए। नहाना तो पड़ेगा, नहाते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 9 डिग्री है और वहाँ पे तो -5 है। हम यार मस्ती मस्ती में मजे मजे में ये सोच के कि हमें तो ठंड लगती नहीं है, गर्म कपड़े लाए नहीं है अपने, सिर्फ एक ओवर कोट रखा था हमने, लॉन्ग ब्लेजर। अब देखते उतने में कुछ होगा कि नहीं होगा। तो रेडी होते हैं जल्दी टाइम से। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने ड्रेसेस ले लिए अपने लिए और शिखा दीदी के लिए ड्रेस नहीं ली अभी, उनको पसंद नहीं आ रही थी। हम सब ने पसंद कर ली और धूप काफी तेज है, रोहतांग के रास्ते हम लोग निकल गए हैं। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड एटीएम। हाँ जी हाँ जी, सब लेवल निकले। तो मेरा यहाँ से 3rd लेवल हो चुका है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो यहाँ खड़ा रहेगा। फॉरएवर में दो ही चीजों का काम है, खड़े रहने का और दूसरा अड़े रहने का। रास्ता दिखाते हैं आपको रोहतांग का। ये देखो, तुम चुप रहो। तुम सबसे ज्यादा कॉन्शियस में ही रहती है। अब यहाँ पे हो रहा है हमारे यहाँ खाने का प्रिपरेशन। देखा ना, देखो हमारे गए सत्तू। आइसक्रीम मेरी खराब हो गई। ये देखो लड़का कार्टून में लगा है, ये डरा रही है दोनों माँ बेटी। डरा रही है और नहीं, इसी से काम चलता है, चम्मच से नहीं चलता। हमारे सत्तू रेडी हो गए हैं, हम लोग खाएंगे। हम भी खा के देखते हैं, वैसे तो हम कच्चा प्याज खाते नहीं है। बढ़िया ठीक है, ठीक है। मिर्ची टाटा खाओ, मिर्ची टाटा खाओ। तुम लाओ जीप कर दी तो कौन देता है ना। क्या है तुम जैसे लोग रोज आ जाएंगे उठ के। बाउंड्री बनवा दी तो कहेंगे अब तो सेफ है, चलो जल्दी मनाली। चलना तो है नहीं, यहाँ हैंड ब्रेक लगाए लगाए दिमाग अड़ा है। गाड़ी पीछे जा रही है क्या तक जाम लगा है। मोटी हो तुम। दीदी चीज डिसाइड करो, सुनो सुनो दीदी, आप मोटी हो या तुम्हें बुद्धि मोटी। दीदी दीदी क्या फायदा, रोने लगोगे। हम रोएंगे। कल कौन रो रहा था आंसू बाबा। दीदी 8 बजे को नहीं दिख रहा शक्ल। इतनी बड़ी है, कवर हो गया। तुम्हारे दांत अच्छे लगते हैं हमको। दांत इसके तुम्हारे बना दे जी। इनके तो छपरा जी से दांत है। चाय पी नहीं, चाय 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 शशि दीदी।
ये रोहतांग पास का रास्ता है। अभी भी 20 किलोमीटर है अभी भी यहाँ से, लेकिन यहाँ की रोड बहुत अच्छी है और यहाँ पे कवर भी कर रखा साइड से। और हमें अभी थोड़ी सी बर्फ दिख गई, मतलब ऊपर रोहतांग में तो है बर्फ। ठंड हो रही है क्योंकि देखो हमने भी फुल कपड़े पहन लिए हम दोनों लोगों ने, इधर पे दीदी लोगों ने। हमारी बन रही मैगी, अभी खाएंगे मैगी। कपड़े तो मस्त लग रहे हैं मेरे ऊपर है, अच्छे हैं। और यहाँ का मौसम भी सुहाना है, मौसम एकदम मस्त है, एकदम ठंडा, इतना ठंडा तो कहीं नहीं भाई। और बर्फ भी साफ ऐसी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कल इसमें हुआ हो। यहाँ पे तो काफी साफ है और सही भी है। और ये आगे जी भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लिप निकाली जो हम इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे, वो भी आप लोग देखना। और बोला नहीं जा रही इतनी ठंड है। क्या रेट बताए भाई? अब ये है हमारी पहाड़ों वाली मैगी, मेरे भी ले दो। और यहाँ पे बर्फ जमी है, जबकि हम लोग उस पहाड़ से नीचे इतना आ गए तब भी बर्फ है यहाँ। यहाँ पे हम गोलगप्पे खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे।
ऐसे होता है, ऐसे झरने का ही पानी होगा। ए भाई पानी कहाँ से लाते हो? पानी कौन सा लेते हो? झरने का ही है। सही है। बढ़िया भैया। हम लोग हैं अटल टनल पे और हम लोग जा रहे हैं अटल टनल के थ्रू वापस मनाली की तरफ। थोड़ा सा जाम लग गया वरना अभी तक तो। और ये 8 किलोमीटर लंबी अटल टनल है और यहाँ पे एक मतलब ये है कि काफी अच्छी बनाई है, अंदर से काफी क्लीन है और लाइटिंग वगैरह और इमरजेंसी एग्जिट है हर एक। हम लोग अभी डिनर करने आए हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे और अभी हमने रूम भी बुक नहीं किया है, अभी जाके करेंगे बुक। बाकी होटल में अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया, वही नॉर्मल खाना, पनीर दाल, सूखी सब्जी, रायता, नान, ये सब। और ये है यहाँ का व्यू। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और इतनी तेज इसकी आवाज़ आ रही नदी की, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी। बाकी ये रही शशि जी, ये बच्चे कार्टून में घुसे हुए दोनों के दोनों अपने अपने। बैटरी अलग से नहीं है अभी देखो, तो अभी बस खाना खा के अब जाएंगे सोएंगे क्योंकि रोहतांग में बहुत टाइम लग गया था और अभी नींद भी आ रही है, थक भी गए हैं। बच्चों कार्टून बन गए कुछ तो बताना पड़ेगा ना। नो नहीं 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 जब नदी में पानी ज्यादा